मतलब आप जतो ही हैं तो आप गाड़ी नहीं रोकेंगे जहाँ पर जतो ही आप मैंने देखा आपको नहीं आपने वॉलेशन की आप फिर मुझे कह रहे हो मेरा दोस्त भी आई जी मैं उसको कॉल करता हूँ और फिर मुझे कह रहे हो अपनी वर्दी का ख्याल कर मुझे गर्मी लग रही है न तो मैं मेरी वर्दी उतारोगे आपने मुझे ये क्यों बोला कि अपनी वर्दी का ख्याल करो अफसोस है यार कि आप लोग एजुकेट लोग हो के अल्लाह ने आपको इज्जत दी है मैं आपको रोक रहा हूँ और आप मुझे वहाँ रुके नहीं हो यहाँ रोका है आपको तो फिर मुझे आप कह रहे हो मेरा डीआईजी दोस्त है आपके पेपर लाइसेंस कहाँ है सर आप प्रेजेंट करें ना आप प्रेजेंट करें टू मच हो गया यार आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ऑफिसर हैं आपके अबू सो व्हाट चलान आपका नहीं हो सकता आपके अबू ऑफिसर हैं आप वॉलेशन करेंगे आपको ना रोके कि आपके अबू ऑफिसर हैं जी शेख नाम है ना शेख है ना हमारे डीआईजी शेख साहब नहीं है हमारे जो आईजी एडिशनल आईजी सिंध है वो शेख साहब हैं अमीर शेख साहब अमीर शेख साहब मेरे अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं अच्छी बात है अमीर शेख साहब हमारे अफसर हैं लेकिन आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे जी मतलब आप कानून को हाथ में लेंगे अच्छी बात है इज्जत करनी चाहिए नहीं तो आपके दोस्त यार बैठे अच्छा अच्छा और वो मतलब वो आपके दोस्त है तुम देख रहे हो यार इतनी नहीं सर आपने सिग्नल वॉलेशन की सेकंडली फिर मैं आपको रोक रहा हूँ कोई करता है तो मतलब आप वॉलेशन करेंगे अरे यार सब करते हैं मेरे लिए तुम कर रहे हो बताए आप नहीं सर कानून सबके लिए है सर बोला है आपकी इज्जत दे रहे जी जी हम लोग डिफेंस का हम दोस्ती मैं मेरे दोस्त सब यार सब तोड़ते कोई मसला नहीं था अच्छा। आज पहली दफा आपने रोका यार सलाम मैं आपको कर देखो यार ऐसी एक इज्जत से बनाओ यार अब मैं क्या आपको अब मैं फोन आप मुझे लाइसेंस दे दें एक लिटिल बिट अमाउंट का आपको टिकट दूंगा मैं आपको छोड़ दूँ आप लाइसेंस दे दें आपकी इज्जत है हम आपके खादिम हैं हम आपकी खिदमत के लिए रोड पे खड़े हैं मेरी आपकी इज्जत है ठीक है अब मेरे पास मैं भूल नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास अपनी लसन बना नहीं है मेरा बनेगा अच्छा तकरीबन 17 साल का अच्छा ठीक है गाड़ी का लाइसेंस अब लोक वाइज तो आप 17 इयर्स के नहीं लगते बड़े लगते हैं लेकिन बेटा देखें अगर आप 17 के हैं तो ये आप अंडर एज भी हैं अंडर एज हूँ ये आपकी बहुत अच्छी बात है मुझे रुकाया ये बड़ी लोग गाड़ी रुकाते नहीं है डरते हैं कौन है छोड़ दो यार क्या मथा लगाना मैं भी कुछ और ही हूँ आपको पता भी हो गया तुम्हें कौन पर एक इज्जत और एक बड़ी एक आपको मैं इज्जत से आपने जो मुझे सर बोला ना मेरे को उसी वजह से मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ वरना मुझे गुस्सा आ रहा था पर मैंने फिर आपकी इज्जत की बोला नहीं यार उन्होंने मुझे रुकाया ठीक है मैंने अभी अभी अपनी से बात की अपने बोला मैं उसको रिस्पेक्ट हूँ मेरे भी बहुत अच्छे हैं उसने यार ये अच्छा अब जेंटलमैन अर्ज ये है कि आप हमारा असाथा हैं ठीक है और अगर आप इग्नोर करेंगे तो कौन हमें फिर रुकेगा कौन आपको आएगा रोकने के लिए और देखें देखें जेंटलमैन अगर हम 2 घंटे की फ्लाइट दुबई की है हम वहाँ जाते हैं हम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये नहीं छोड़ेंगे हमें हैं क्योंकि हमें पता है वो क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं क्यों क्योंकि किक आउट कर देंगे अगर हम वहाँ के इम्प्लीमेंट पे नहीं चलेंगे वहाँ के रूल्स के तहत ये अपना मुल्क है जहाँ आपको कदर करनी चाहिए यहाँ पे हाँ जी हमने हमारे तो दोस्त है वहाँ पर मैंने एक फोन किया ना डेढ़ हुआ उसमें सर आप कुछ नहीं हो सकता आप जाओ या वापस जाओ या टिकट दे सकते सर कानून है आप जैसे किया हमने रुकाया हमने इतनी बड़ी गाड़ी देख के भी रुकाया ये एक होता है ना रिस्पेक्ट ना वो आपने मुझे दी और मैंने दिया हमने बोला आप इधर से बताए सर गाड़ी थोड़ी सर आपको तो रोक रहा हूँ वी को आपके पास ही है ना आपने बोले मैं अनाउंस भी कर रहा हूँ कि सर गाने चल रहे हैं ना मैंने बोला सर आप पुलिस साइड पे आ जाए जब आप नहीं रुके तो मैंने फिर आपको आपको फोर्स करके यहाँ रोका अच्छा क्या रोका है पहले आप तो अभी आप पुलिस को डॉक्यूमेंट्स तो प्रेजेंट करेंगे ना आप
लेकिन उस गाड़ी कुछ नहीं बताया। हाँ ये बुक पढ़ी है ना, हाँ दे लाए देखा है, इसी की है। केवी बेटा ये फोटो कॉपी है।